हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग की राजस्थान रोड ट्रिप सीरीज के नेक्स्ट एपिसोड में। जैसा कि पिछले एपिसोड्स में आपने देखा, इस राजस्थान ट्रिप में हम लखनऊ से जयपुर और जोधपुर में रुकते हुए जैसलमेर के सम में डेजर्ट कैंप में रुके हुए हैं। आज यह हमारा तीसरा दिन है और आज सुबह हम सनराइज देखेंगे कैमल सफारी करते हुए रेगिस्तान से। फिर उसके बाद हम चलेंगे उदयपुर के लिए जोधपुर होते हुए। अभी 6 बजे हैं और हम निकल लिए हैं सफारी के लिए थार से, जो हमें ले जाएगी रेगिस्तान में, जहां ऊँट हमारा इंतजार कर रहे हैं। जानी हमारा ऊंट कैमरा कॉन्शियस है, सेल्फी के टाइम पे सब काम छोड़कर पोज देने लग जाता है। जानी पहाड़ और बीच से तो कई बार सनराइज देखा है, पर पहली बार रेगिस्तान से देख रहे हैं सनराइज के नज़ारे, और ये भी बहुत सुंदर है। निकल रहा, निकल रहा, निकल रहा। उधर देखो बेटा, सनराइज हो रहा है। वैसे कैमल सफारी करके एक चीज़ कहूँगा, कैमल सफारी कोई कंफर्टेबल चीज़ नहीं है। जो कैमल कार्ट पे हमने सफारी की थी वो इससे बहुत बढ़िया थी। फाइनली 8:15 पे हम अपने कैंप वापस आ गए हैं। ब्रेकफास्ट के बाद हम निकल लिए हैं उदयपुर के लिए, जो हम जाएंगे जोधपुर होते हुए जिस रास्ते से हम आए थे। जैसलमेर से उदयपुर आप बाड़मेर होते हुए भी जा सकते हो। इस रूट में आप माउंट आबू में भी रुकते हुए जा सकते हो, पर यह रूट स्टेट हाईवे है और इस बार माउंट आबू नहीं रुकना है, तो हम वही ट्राइड एंड टेस्टेड जोधपुर वाले रूट से होकर जाएंगे। टाइम दोनों रूट में लगभग बराबर लगता है। जैसलमेर से जोधपुर तक 80 की स्पीड लिमिट है, तो हम 80-90 के बीच ही चलाकर आए थे, और जैसा कि आते समय बताया था, जहां स्पीड की चेकिंग होती है
वो लोकेशन सेफ थी, तो वहाँ इस बार हम 70 पे ही निकले। वो लोकेशन मैंने आने वाले वीडियो में शेयर की हुई है। अब हम पहुंच गए जोधपुर। सम से यहाँ तक आने में हमें समय लगा 4 घंटा 50 मिनट। यहाँ हम लंच करेंगे जिप्सी रेस्टोरेंट में, राजस्थान के फेमस दाल बाटी का। यहाँ का दाल बाटी तो बहुत ही जबरदस्त था। लंच के बाद हम वापस निकल चुके हैं उदयपुर के लिए। जोधपुर से 45 किलोमीटर दूर पड़ता है ओम बन्ना का टेम्पल, जिसे बुलेट बाबा का मंदिर भी कहते हैं। 23 दिसंबर 1988 को यहाँ ओम सिंह राठौर नाम के 23 वर्षीय लड़के की बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। उस समय वो रॉयल इनफील्ड 350 cc बाइक पर था। एक्सीडेंट स्पॉट से पुलिस इस बाइक को थाने ले गई, पर दूसरे दिन बाइक वहाँ से गायब थी। बाद में बाइक उसी जगह मिली जहाँ एक्सीडेंट हुआ था। पुलिस दोबारा बाइक अपने साथ ले आई, पर इस बार पेट्रोल भी निकाल दिया और चेन से लॉक भी कर दिया। पर फिर नेक्स्ट डे बाइक गायब थी और उसी स्पॉट पर मिली। धीरे धीरे लोगों ने मान लिया इस बाइक में कोई दिव्य शक्ति है और इसकी पूजा करने लगे। फिर यहाँ एक मंदिर भी बनवा दिया गया। लोग इसे बुलेट बाबा का मंदिर या ओम बन्ना का मंदिर कहते हैं। और यहाँ की खासियत है कि यहाँ पे चढ़ावे में सिगरेट और शराब चढ़ाई जाती है। जोधपुर से उदयपुर NH-62 जाता है, जो जयपुर अजमेर से आने वाले हाईवे पे मिल जाता है।
पाली से उदयपुर तक की रोड वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल रोड्स में से है। अगल बगल तो बढ़िया सुंदर पहाड़ हैं ही, बीच में भी बढ़िया पेड़ पौधे उगे हुए हैं। अब हम पहुंच गए हैं अपने आज के स्टे कर्मा सेवन लेक्स उदयपुर में। यह भी क्लब कर्मा की प्रॉपर्टी है जिसमें हम जैसलमेर में रुके हुए थे। जोधपुर से यहां आने में हमें समय लगा 5 घंटे। कुछ ऐसा है होटल कर्मा सेवन लेक्स। और यह है यहाँ का आलीशान रूम। तो इस एपिसोड में यहीं तक। कल हम घूमेंगे उदयपुर के टूरिस्ट प्लेसेस। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करें और हमारे चैनल बैकपैकर व्लॉग को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।